नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं News4Nation। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये अहम निर्णय ले ही लिया कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। अब ऐसे में उनके इस निर्णय का पूर्णतः पालन कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन के ऊपर है और साथ ही साथ इसको अच्छी तरीके से पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ सड़कों पर भी उतर रहे हैं। आपको बता दें कि खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से, जहां पर वरीय पुलिस अधीक्षक साथ ही साथ अन्य पुलिस महकमे के लोग सड़कों पर उतरे और साथ ही लोगों को ये दिशा निर्देश दिया कि बेवजह वो सड़कों पर ना उतरे। इसके साथ साथ जहां जरूरत पड़ी वहां लाठियां भी चटकाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार वहां के SSP जयंत कांत रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरते हैं और नाइट कर्फ्यू का पूर्णतः पालन कराने की जिम्मेवारी खुद के कंधे पर लेते हैं। आप देखिए किस तरह तस्वीरी में लोग वहां पर भटकते नजर आ रहे हैं, बाइक की सवारी करते जा रहे हैं, लेकिन जयंत कांत पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़क पर मुजफ्फरपुर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत और नगर पुलिस उपाधीक्षक राम नरेश पासवान अनावश्यक सड़कों पर चल रहे वाहन को पकड़ते नजर आए। वहीं वाहनों को जब्त भी किया गया, इसके साथ ही कईयों का चलान भी काटा गया। साथ ही साथ अनावश्यक सड़कों पर पाए जाने वाले बाइक एवं चार पहिया वाहन सवार व्यक्तियों पर पुलिस कोरोना गाइडलाइन पर पालन कराने के लिए सख्ती बरतते हुए लाठियां भी छटका रही है। इसके साथ ही हर आने जाने वाले वाहन की जाँच एवं पूछताछ अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 0 माइल चौक पर किया जा रहा है। इस संयुक्त कार्रवाई में थाना के पुलिस टीम एवं QRT पुलिस टीम भी शामिल। को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कार्रवाई चल रही है। सभी लोगों को बताया है कि 6 बजे के बाद किसी तरह मूवमेंट नहीं है और कल से जो लॉकडाउन स्टार्ट है उसमें किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं करना है, उन्हें अदरवाइज कार्रवाई होगी। अभी भी सारा अनावश्यक लोग सड़क पर घूम रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ? मैक्सिमम अनावश्यक नहीं है, कई लोगों को जो मेडिकल के फैसिलिटी के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग जो है डॉक्टर्स के पास से, वो सब चीज़ों की चेक हो रहा है। जो लोग आपको नजर आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग यही हैं, जो लोग नहीं हैं उनके ऊपर फाइन किया। कल से लॉकडाउन को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है? आज से ही कर्फ्यू का जो है सिचुएशन है, जिसमें ढील है उन्हीं लोगों को छोड़ा गया है, अदरवाइज नहीं। कोई काम के लिए जा ही रहा है।